हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल करके दिखाने वाली हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल। मैंने एंगेजमेंट लुक क्रिएट किया है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ वैसलीन का कोकोआ बटर ग्लो का मॉइस्चराइजर लिया है। इसका टेक्स्चर बहुत ही स्मूथ है। विंटर में स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको हाथों की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैंने प्रेप का प्राइमर लिया है। और एक बात और बता दूं, इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। इसकी कुछ ड्रॉप लेकर फुल फेस पर लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग ग्लो देता है। इनफ्लेमेबल का प्राइमर यूज़ करने लगी हूँ, इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, फाउंडेशन से पहले प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं नियॉन की पेन स्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसको भी फुल फेस पर लगा लेंगे। अब मैं आपको एक हैक बताती हूँ पेन स्टिक लगाने के बाद कि मैं यारा ब्यूटी मेकअप फिक्सर लूँगी और इसको थोड़ा सा फेस पर स्प्रे करके ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा ग्लोई इफेक्ट देता है। अच्छा, एक चीज़ और, फाउंडेशन को कानों और नेक में भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बस फेस पर लगा लेते हैं और बस आसपास का एरिया ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। अब मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लूँगी, इसको आँखों के नीचे और अराउंड माउथ और भी पैची एरिए पर लगाकर ब्लेंड कर लूँगी। अब लूज पाउडर लेकर ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा चेहरे पे लगा लूँगी। मेकअप बेस तैयार हो चुका है, अब आई मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।